अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कपल की बेटी वामिका को अब कोई बहन या भाई मिलने वाला है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये 3 से 4 होने वाले हैं। कपल जल्द ही फैंस के साथ ये खबर शेयर करेंगे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी लंबे समय से अनुष्का किसी इवेंट में नजर नहीं आ रही थी और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि अनुष्का प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो पब्लिक गैदरिंग से दूरी बनाई हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका दूसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है। वहीं अनुष्का विराट कोहली के साथ उनकी किसी भी जर्नी में शामिल नहीं हो पा रही हैं और ना ही उनके किसी मैच में भी पार्ट ले पा रही हैं। वहीं दूसरे सूत्र की माने तो बताया जा रहा है कि इस कपल को हाल ही में मुंबई की एक मैटरनिटी क्लिनिक में देखा गया था। उन्होंने पैपराजी से इस खबरों को पब्लिक ना करने का अनुरोध किया था और कहा था कि वो जल्द ही खुद इस खबर को पब्लिकली ऐलान करेंगे। वही आपको बता दें कि इससे पहले भी वो वामिका के जन्म के बाद से उसका चेहरा सार्वजनिक रूप से ना दिखाने या उनकी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट नहीं करने को लेकर के बहुत सतर्क रहे हैं। विराट कोहली ने पहले कहा था कि हमने फैसला किया है कि हम अपनी बच्ची को तब तक सोशल मीडिया के संपर्क में नहीं लाएंगे जब तक वो समझ न जाए और अपनी पसंद न बना ले। वही अनुष्का शर्मा के वर्क फ्रंट की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने कुछ समय पहले अपनी अगली फिल्म चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग पूरी की है। फिल्म में वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभा रही हैं। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा ने 2017 में इटली में बड़े धूमधाम के साथ विराट कोहली के साथ शादी की। हाल ही में मां बनने की अपनी यात्रा के बारे में भी बात की और कैसे वो बेटी वामिका के जन्म के बाद अपने पहले प्रोजेक्ट चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग करने में कामयाब रही तो उसको लेकर के भी अनुष्का शर्मा खुलकर बात करेंगे।